बालासोर इथल्या रेल्वे दुर्घटनेमुळे त्या परिसरातील बाधित रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. तुटलेले रेल्वे रूळ पुन्हा जोडणं, घसरलेले डबे रेल्वे मार्गातून दूर करण्यासाठी आसपासच्या रेल्वे विभागातील अधिकारी आणि यंत्रसामुग्री घटनास्थळी तैनात आहेत. बुधवारी सकाळपर्यंत या मार्गावर रेल्वे सेवा सुरू होईल असं रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दूरदर्शनशी बोलताना सांगितलं. तसंच रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांद्वारे स्वतंत्र चौकशी जवळपास पूर्ण झाली आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असं रेल्वेमंत्री म्हणाले. रेस्टोरेशन का काम रात भर चलता रहा और अभी भी तेजी से चल रहा है. आसपास के जितने भी डिविजन्स हैं उन सारे के सारे डिविजन्स के ऑफिसर्स को, मशीनों को, मैन पावर को सबको डिप्लॉय किया गया है. और आप देख रहे हैं कि जो एक लाइन है उस लाइन का कंप्लीट रेलवे का जो रेलवे की पटरी होती है, ट्रैक होता है, ट्रैक का काम कम्प्लीट हो गया है. और अभी OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काम चल रहा है. ये तेजी से एक लाइन और ये दूसरी लाइन का भी ट्रैक बनाने का काम ऑलरेडी हो गया है. कंप्लीट जो भी एक्शन लेना है रेस्टोरेशन के लिए, एक एक पॉइंट पे पूरे एरिया को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और 8 सेगमेंट में हर एक सेगमेंट का एक ऑफिसर उसके लिए प्रॉपरली इंचार्ज है. सारे के सारे ऑफिसर्स सबके सब लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं. रात में 3 सीनियर ऑफिसर्स थे, वो अभी रेस्ट में गए. अभी 2 सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे दिन में रहेंगे. एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट जिस तरह से रहना चाहिए साइट का उस हिसाब से होके जो बुधवार सुबह तक कंप्लीट रेस्टोरेशन करके नॉर्मलाइज करना है सिचुएशन का, उस टारगेट पे काम कर रहे हैं.